ये अधिक दूध रखने वाली गायें मतलब के लिए क्या करें, मतलब आजकल जमीन की कमी है और दाना चारा लेबर बहुत महंगा है, इसलिए ऐसी गाय रखना जरूरी है जो कि 15 लीटर से ऊपर दे दूध दे। आप 20 लीटर 25 लीटर की भी गाय रख सकते हैं और आप 40 लीटर की भी गाय रख सकते हैं, परंतु बात यह है कि लोग 40 लीटर की गाय रखने से घबराते हैं, कहते हैं कि वो जो है वो नहीं रखी जा सकती। ऐसी बात नहीं है, यदि अगर आप 20 डिग्री का तापक्रम रखते हैं अपनी डेयरी में तो उनको आसानी से रखा जा सकता है, और वो ठंडे इलाकों में तो बहुत अच्छी तरह से रख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही जैसे टेम्परेचर बढ़ता है 20 डिग्री से 25 डिग्री और आर्द्रता बढ़ती है, उसी के साथ साथ उनका उनका जो प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन डाउन होता जाता है, क्योंकि वो जुगाली करना बंद कर देते हैं, खाना कम खाते हैं और क्या कहते हैं पानी की उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हाँफने भी लगते हैं, मुंह खोल के हाँफने लगते हैं, और 30 डिग्री या 40 डिग्री पे तो उनकी हालत बहुत ख़राब होती है, 50-45 डिग्री पे वो मर भी सकते हैं। ऐसे में ये होता है कि वो उनका तापक्रम जो है उनका शरीर का तापक्रम भी बढ़ जाता है, अगर आप उनका तापक्रम लेंगे तो 103 और 104 निकलेगा। तो ऐसी हालत में अगर आप कंपाउंडर को या डॉक्टर को बुलाएंगे तो वो क्या करेगा, वो एंटीबायोटिक दे देगा या विटामिन दे देगा, उससे उसका कोई समाधान नहीं होता, वो एंटीबायोटिक या विटामिन जो दे रहा है उससे और उसे नुकसान होगा। उसका सिर्फ यही है कि आप उस पे ऊपर पानी मारिए और तेजी से हवा चलाइए, जब तक कि वो मुंह से झाग डालना बंद ना कर दे, या जब तक कि वो जो है वो हाँफना बंद ना कर दे। देखिए ऐसा है कि ऐसे पशु जो हैं 30 डिग्री और 40 डिग्री पे 50% कम खाते हैं, जितना वो चारा खाते हैं, एक पशु एक दिन में कितना खाता है, वो करीब अपने शरीर का 3% खाता है ड्राई मेटर बेसिस पे, जैसे भूसा है तो कितना भूसा खाएगा, अगर वो पशु जो है 100 किलो का है तो वो 3 किलो खाएगा, अगर वो 200 किलो का है तो वो 6 किलो खाएगा, अगर वो 9 किलो का है तो वो 9 किलो भूसा खा, अगर अगर वो 300 किलो का है वो 9 किलो भूसा खाएगा, और अगर वो 400 किलो का है तो वो 3 चौक 12 12 किलो भूसा खाएगा। परंतु अगर गर्मी ज़्यादा हो जाएगी 30 डिग्री 40 डिग्री और उसके संग संग अगर उसमें आर्द्रता भी बढ़ेगी तो वो क्या है, वो उसका आधा ही खाएगा, मतलब वो 1.5 किलो ही खाएगा, मतलब वो जाएगा वो, और उसके बाद क्या होगा, उसका दुग्ध उत्पादन कम हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन तो कम हो गई, उसके साथ साथ ये है कि ऐसा पशु जो है वो ज्ञावन भी नहीं रहेगा। अच्छा ये जो है मैं आपको बता रहा हूँ, जो जब तक 10-12 लीटर दूध देती है गाय तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, जब गाय जो है 20 लीटर 25 लीटर देने लगती है तो अच्छा ये होल्स्टीन गायों में ज़्यादा देखा जाता है, जर्सी में थोड़ा कम है और देसी गाय में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो 6-7 लीटर देती है, 6-7 लीटर वो देती रहेगी। तो इस प्रकार से आप कितना ही अच्छा दाना खिला लीजिए, कितना ही अच्छा चारा ले आइए, पर जब पशु खाएगा ही नहीं तो दूध कम देगा। अब लोग ये कहते हैं कि साहब ऐसा है कि ज्यादा अच्छे जानवर नहीं रखना चाहिए, उससे नुकसान रहता है, वो ठीक कहते हैं, क्यों, अगर आपने 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 लीटर वाली गाय आप ले आए कि उसको रख लिया, मान लिया आप जाड़े में लाए तो ठीक है, अगर आप मार्च अप्रैल में ले आए, जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी वो जो है वो दाना चारा खाना कम कर देगा, दूध भी कम कर देगा, और गर्मी में दूध की डिमांड बढ़ जाती है और वो दूध कम कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, फिर और जानवर खरीद के लाएंगे, उसका भी यही होगा। इसके अलावा ये भी होता है कि वो पशु जो है वो बीमार भी रहेगा,
उसको थलेरिया हो जाएगा, बवेसिया हो जाएगा, मैस्टाइटिस हो जाएगी, समझे, वो बच्चा भी फेंक सकता है। तो इसीलिए लोग अधिक दूध की गाय रखने से घबराते हैं, परंतु ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। आप मतलब कूलर रख लीजिए, और इसके लिए मतलब ये बहुत जरूरी है कि आप पे सूर्य से सौर ऊर्जा का या तो सोर्स हो या आप पे जनरेटर हो, जिससे अगर आपकी बिजली नहीं जानी चाहिए, अगर 11 से और 4 बजे के बीच में बिजली चली गई तो वो पशु बेकार हो जाएगा, वो दूध नहीं देगा, वो जब चारा ही नहीं खाएगा, रेस्ट ही नहीं करेगा, तो फिर वो कहाँ से दूध देगा। तो इस तरह से मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और एक नुकसान इससे भी होता है, अगर आपने चारों तरफ दीवार बना दी, अगर आपने 100 square feet जमीन 10 by 10 का जो है एरिया हर एक पशु को देना चाहिए, क्योंकि पशु जो है वो खुद भी गर्मी निकालता है, छत भी नीचे फेंकती है, और पशु से पशु में भी गर्मी जाती है। तो ऐसा नहीं है, जो पशुओं को बहुत गर्मी लगती है, ये पशु जो है ये 20 डिग्री से -2 degree -5 degree पे बहुत ही सुखद अनुभव करते हैं। 0 degree पे तो बहुत अच्छे रहते हैं, होलिस्टीन की बात बता रहा हूँ आपको। देसी का है तो 10-12 degree से नीचे तापक्रम पे वो बीमार हो सकती है, पर इनको ज़्यादा हाउसिंग की जरूरत नहीं होती, समझे ना। इनको अगर आप खुले हाउसिंग में रखेंगे तो ये ज़्यादा वो नहीं करेंगे, मतलब ये बड़े बड़े थोड़े से ही कीमत में अगर आप बांस बल्ली या पाइप लगा देंगे तो उसके बीच में खड़े रहेंगे, उनका पानी का इंतजाम हो, उनका क्या कहते हैं चारे का इंतजाम हो, उनका धूप का इंतजाम हो, उनके छाया का इंतजाम हो, और उनको विचरने की जो है वो पूरी स्वतंत्रता रहे। उसमें ऐसा होगा कि कोई पशु यदि बीमार है तो वो भी आपको पता चल जाएगा, और अगर कोई पशु हीट में आ रहा है तो वो दूसरे पशु पे कूदेगा, आपको पता चल जाएगा। पर जब खुले में रखते हैं तो कुछ परेशानी भी है, जैसे कभी कभी एक जानवर है दूसरे जानवर का दूध पी लेता है या अपना दूध पी लेता है, तो उसको फिर आपको अलग करना पड़ेगा। परंतु खुले में पशु रखने से आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि अब इसे पानी पिलाना है, अब इसे चारा खिलाना है, अब इसे धूप में बांधना है, वो अपनी स्वेच्छा से मतलब वो रहेगा। 2.5 feet by 40 feet एक पशु के लिए 40 feet लंबा और 2.5 feet उसके खाने की जगह, और पानी ठंडा पानी उसको मिलता रहे और छाया, तो आप देखेंगे आपको बहुत लाभ होगा। और दूध निकालने के लिए आप उसको अलग कमरे में ले जाइए, अलग कमरा बना लीजिए, उसमें ले जाइए, उसको दूध निकाल दीजिए, जहाँ पे मच्छर और मक्खी ना आती हों, तो वो आप निकालिए उसका दूध, उसको बाहर कर दीजिए। दूध निकालते ही वो उसे पानी पिलाइए, दूध निकालने के तुरंत बाद वो पानी पीता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप 30 liter 40 liter का जानवर नहीं रख सकते, आप रख सकते हैं। अब होता ऐसा है कि वो जानवर को ले आते हैं मार्च अप्रैल में, क्योंकि ज़्यादातर लोन जो है मार्च अप्रैल में गर्मी बढ़ती जाती है, दूध का कीमत भी बढ़ती जाती है, ग्राहक भी बढ़ते जाते हैं, तो उल्टा हो जाता है। तो फिर वो आपकी गाय मरना भी शुरू हो जाएंगी, अगर आपने हाउस ठीक नहीं बनाया है, अगर आप में ये नहीं है कि आप इससे पैसा कमा सकते हैं, तो आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर आप सितंबर में डेयरी चलाते हैं तो ठीक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वो करना रहेगा। अच्छा, अगर कोई पशु ब्याह जाता है ऐसे मौसम में, मतलब 30 degree या 40 degree पर, तो वो बेकार हो जाएगा। मतलब ब्याने के बाद उसका दूध बढ़ता है 40-50 दिन तक, पर वो नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो चारा ही नहीं खा रहा है, और 40-50 दिन तक नहीं बढ़ा तो फिर वो कम हो जाएगा। तो अगर आपके पशु को 20 liter रोज देना है तो वो 10 ही liter देगा, बीमार भी रहेगा, और क्या कहते हैं वो चारा भी नहीं खाएगा, दाना भी नहीं खाएगा। आप बदलते रहिए चारा उसका, कैसा हो, ये चारा लाऊं, वो चारा लाऊं, ये खिलाऊं, आप उसको बादाम भी खिला देंगे तब भी उसका कुछ नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मत सोचिए कि
पशु को हम ज्यादा दूध का पशु नहीं रख सकते। आप 100 लीटर दूध पैदा करना चाहते हैं, आप 4 ही गाय रखिए, आप गाय को रख लें 20 गाय। ऐसा है ना कि किसी भी इलाके में 100 लीटर 150 लीटर तक तो दूध बिक जाता है, मतलब 50 लीटर 50 रुपये लीटर बेच लीजिए, 40 बेच लीजिए, 60 बेच लीजिए, पर इससे ज्यादा दूध नहीं बिकता है। तो आप कम से कम जानवर रखिए ना, कम से कम जानवर रखिए। और सबसे अच्छा ये आप डेरिया देख लीजिए, आजकल फॉगर लगा देते हैं, वो तो ऊपर से फॉगिंग करता रहता है, उसमें से बादल से निकलते रहते हैं जानवर आराम से बैठ के। तो ये मत सोचिए कि डेयरी में नुकसान होता है, डेयरी में बहुत लाभ होता है। आपने सुबह उसको खिलाया 500 रुपए का खिलाया, आपके 1000 रुपए 1500 रुपए हो गए शाम तक, कौन सी बैंक कर देगी 1500 रुपए? अगर आपको गोबर मिल गया, गाय खड़ी है, बच्चा मिल गया, तो ये अति उत्तम है। मेरी वेबसाइट चलती है वैसे UKTHAIA.com, आप उसमें देख लीजिए इसकी हाउसिंग, और वैसे आप मेरा टेलीफोन नंबर भी है उस पर, आप मुझसे कभी भी बात कर लीजिए। क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर लोग डेयरी खोलते तो बहुत उत्साह है, फिर मतलब मैदान छोड़ जाते हैं। तो मेरा यही है कि आपको बताऊं कि मतलब किस तरह से इसमें फायदा उठाया जा सकता है। पहले तो 20 लीटर से नीचे की गाय नहीं रखनी, दूसरी बात है उसकी हवा का आदान प्रदान चारों तरफ से हो, और तीसरी बात यह है कि आप उसको फॉगर लगाएं ऊपर। पंखा लगाने से कोई खास वो नहीं होता, फॉगर आपको लगाने पड़ेंगे जिससे बादल की तरह से धुआं निकलता है। तो इसी सबके हाथ में अपनी वार्ता समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरे सुझाव जो है लाभकारी है।